दोस्तों इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप विन कर लिया है। इस वक्त जो है पूरी की पूरी आवाम रोड्स पे निकल आई है, जश्न का समय है, ढोल बजाए जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, लोग अपनी फैमिलीज के साथ जो है जश्न को सेलिब्रेट कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी जश्न का समय है, इंडियन फैंस को, इंडियन जो लवर्स हैं, इंडियन क्रिकेट टीम के जो लवर्स हैं, वो भी अपनी अपनी सेलिब्रेशन अपने तौर पर पाकिस्तान में कर रहे हैं। आज का जो मैच हुआ तो उसमें हमने देखा कि जनाब साउथ अफ्रीका जैसी टीम इंडिया के सामने घबरा गई, लड़खड़ा गई। टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया तो जश्न मनाया जाए। कंग्रेचुलेशन टीम इंडिया। पूरे हिंदुस्तान की टीम को और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मेरी तरफ से बहुत 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 सारी बधाइयां, दिल से बधाइयां भाई, दिल से। He came, he saw, and then he conquered. That's why he's the emperor worldwide. Well, Emperor Kohli, well done, congratulations, and congratulations to all the Indian fans around the world celebrating. Let's talk about the Emperor Virat Kohli. India ने साउथ अफ्रीका का पकड़ के पिछली घंटा बजा दी है, क्या बजा दी है, क्या बजा दी है, क्या बजा दी है, क्या बजा दी है। और दोस्तों 2007 के बाद इंडिया ने जो है T20 वर्ल्ड कप विन किया है, बहुत बड़ा दिन, बहुत बड़ी विक्ट्री। तो भैया हिंदुस्तान की जीत का सेलिब्रेशन हम इस तरीके से मनाने वाले हैं। सबसे पहले तो हमने लिया चंदन और हमारे शर्मा जी के बेटे को लगाया जाएगा चंदन का तिलक, क्योंकि आज इन्होंने अफ्रीका वालों के तिलक लगाया और इतनी खुशी दी हम हिंदुस्तानियों को, इसलिए मैं ट्रिपल फोटो लाया हूं शर्मा जी के बेटे की, क्योंकि शर्मा जी के बेटे ने वनडे के अंदर 3 डबल सेंचुरी मारी हुई है, चौथी मार दी हो तो पता नहीं भाई। हाँ तो भैया हम हमारे विश्व विजेता चैंपियन कैप्टन को अब पहनाए जा रहे हैं माला, रोहित शर्मा। ठाकुर जी आप पे ऐसे कृपा करते रहे और आप हमारे को ऐसे वर्ल्ड कप दिलाते रहे, आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत सारी बधाइयां। और अब हम करवाने वाले हैं रोहित भैया का मुंह मीठा, क्योंकि खुशी का मौके पे मुंह मीठा तो बनता ही है। रोहित भैया खाइए, आनंद कीजिए, आप मेरी तरफ से चिपक भी गया और ये सब आपके लिए, मेरी तरफ दिल खुश कर दिया आज भाई ने, दिल गार्डन गार्डन। तो भैया एक काम अधूरा रह गया था, क्या है, हम रोहित शर्मा के सामने तो जा नहीं सकते, बात तो सही है, क्योंकि वो बहुत बड़ी हस्ती है, VIP हस्ती है, तो हम हमारे रोहित शर्मा को, हमारे कैप्टन को हम यहीं से ही पुष्प अर्पण कर देते हैं। रोहित शर्मा जिंदाबाद, रोहित शर्मा, रोहित शर्मा, पूरी टीम जिंदाबाद, पाकिस्तान, पाकिस्तान। तो भैया हमारा वर्ल्ड कप सेलिब्रेशन ये हो गया है, आप अब किस तरीके से मना रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में बता देना, और एक बार फिर से आप सबको हिंदुस्तान का वर्ल्ड कप जीतने की बहुत 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 सारी बधाइयां। मेरा दिल तो गार्डन हो रहा है, क्या बोलूं भैया, क्या बोलूं, इतनी आतिशबाजी की, इतने पटाखे छोड़े और इतना जश्न, इतना सेलिब्रेशन, कमाल भैया, कमाल, कमाल कर दिया टीम इंडिया ने। रोहित शर्मा के जो दर्द था ODI के फाइनल का, T20 के फाइनल का, अब रोहित शर्मा शांति से अपनी विदाई ले सकता है T20 से, हालांकि मुझे नहीं लगता अभी लेनी चाहिए, जब तक वो खेल सकते खेले, लेकिन दिल खुश कर देता शर्मा जी के लौंडे, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। और अगर सभी सबसे ज्यादा जली होगी तो इन पोरकियों की जली होगी। Yeah, we now call him the emperor here in the pavilion at least. I don't know about the rest of the world, but that's what we've started calling him and we refer to him as the emperor. Strike rotation hai, phir kahin beech mein jo steal karna hota hai boundaries and using the different areas of the field, kahin na kahin aise punch phir marna, well calculated aur pura ek organized kism ki rahega, aur sense of ek surety aur security hoti hai jab wo स्ट्राइक पे होते हैं या इन द मिडल होते हैं। दूसरी तरफ से बैट्समैन को फिक्र ही नहीं होती कि एक तरफ से तो काम संभला हो ना, 6 रन ओवर 7 रन ओवर तो कोई इशू नहीं है, तो वो दूसरी तरफ से 8 या 9 या 10 रन ओवर का सोच रही होती बाकी सारी टीम। हंगर, डेडिकेशन और नेवर गेट्स सेटिस्फाइड विद हिज ओन परफॉर्मेंस। एब्सोल्युटली, जैसे शोएब मिर्ज़ा ने भी बात की है, बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा था कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आए, एंड आई मीन के आज कुछ मैंने ऐसी परफॉर्मेंस ज़रूर देनी है। भाई क्या वजूहत हैं कि डे बाय डे वो कोई नई हिस्ट्री क्रिएट करता जा रहा है इंडिया और रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनाते जा रहा है। जनाब आज का जो मैच था उसने बड़े बड़ों को सरप्राइज कर दिया भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। वाकई में अगर क्रिकेट की दुनिया में कोई टीम, पूरी टीम की बात कर रहा हूँ, अगर कोई टीम किंग है तो वो हिंदुस्तान की टीम है। जलवा है हमारा, कराची टू खैबर, लाहौर टू काबुल, काबुल टू मुंबई, भाई एक ही चर्चा है, टीम इंडिया, रोहित शर्मा। इंडिया हैज हैमर्ड, जैसे बच्चों के साथ नहीं खेलते वैसे बच्चों के साथ खेला गया है। अब तो हर टीम यही चाहेगी कि हमारे पास कैप्टन हो तो रोहित जैसा हो, बॉलर हो तो बूम बूम जैसा हो, स्पिनर हो तो अक्षर पटेल जैसा हो, और भाई किस किस के पास वो जाएं, भाई ऐसी माया जो है ना वो सदियों में एक ही बच्चा पैदा करती है, वो रोहित जैसा बच्चा पैदा होता है।
देखिए हमें लर्न करना चाहिए, मैं फिर आपको ये बात कह रहा हूँ, उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया, इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो। सारी दुनिया से बदले पूरे हो गए, कोई एक टीम नहीं बची। अगर आप क्रिकेट को 10% भी प्यार करते होंगे ना, तो आप मेरे जज्बातों को अभी समझ चुके होंगे। हाँ भाई हाँ। भारत की टीम ये वर्ल्ड कप डिजर्व करती थी, क्योंकि भारत अनबीटेबल थी। पिछले वर्ल्ड कप में भी 10 मैच लगातार जीते थे, लेकिन 11वें में ऑस्ट्रेलिया से हार गए, तो कब चला गया हमसे। इस बार भी हम अनबीटेबल आए, वो अनबीटेबल ही रहे। तो हिंदुस्तान की जीत पे, यानी कि अब्बुओं की जीत पे, पाकिस्तानी भी भंगड़े डाल रहे हैं, मस्त हो रहे हैं, नाच रहे हैं कि अब्बू ने वर्ल्ड कप जीत लिया। इनकी नल्ली छपरी बेरोजगार टीम तो पहले राउंड से बाहर हो गई। गजब बेइज्जती है। पहले राउंड से। तो ये भी अब्बू की जीत पे जश्न मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। मैं नहीं मानता। आप भी आनंद लीजिए भैया, आप भी आनंद लीजिए। मतलब दे आर आउट ऑफ द वर्ल्ड। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त दुनिया का सबसे बेहतरीन अगर कोई क्रिकेट बोर्ड है तो वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है। और ये बताएं, आज मैच हुई है, जंग हुई है? आज तो सर मुझे लगता है आपको मैच लगा, मेरे सबसे जंग हुई है। इस तरह मारना शुरू किया, इस तरह पीछे गए के अल्लाह खैर करे। रोहित शर्मा जब वो खेलता है, ऑन सॉन्ग होता है, देन ही डजंट केयर। पूरे एशिया के लिए, पूरे एशिया का सर फखर से बुलंद कर दिया इंडिया ने। ये पाकिस्तान की टीम नहीं है, क्या हो गई और मारोगे और जीत जाओगे, ये टीम इंडिया है, डोमिनेट करना पड़ेगा, वरना ये पकड़ के छनकना बजा देते हैं और ये पकड़ के साथ छनकने के डंडा भी दे देते हैं अंदर। का समा बना हुआ है, काबुल, लाहौर, दिल्ली, मुंबई, उसके बाद कराची, भाई सारे 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 मैं कहता हूँ कि मैच ही बहुत बड़ा हो गया है। कराची टू खैबर, लाहौर टू काबुल, काबुल टू मुंबई, भाई एक ही चर्चा है, टीम इंडिया, रोहित शर्मा, बूम बूम बुमराह, भाई बूम बूम भाई बूम बूम बुमराह, कुलदीप मैजिक बोले या किंग कोहली बोले, जो मर्जी। आज इंडिया ने कमाल कर दिया, धमाल कर दिया, मैच देख के मजा आया। 2003, 2023, 2022 के सारे बदले हमारे, इंडिया अफगानिस्तान, इंडिया ने बता दिया, उसके बाद नंबर वन बॉलिंग है, उसके बाद नंबर वन बैटिंग है, जितनी तारीफ करो उतनी कम है। साउथ अफ्रीका के जो चोकर्स माने जाते हैं उनको पकड़ के इंडिया की टीम ने उनका पकड़ के घंटा और छनकना दोनों बजा दिए हैं, घंटा भी बजा दिया और छनकना भी बजा दिया पकड़ के। और आज का जो मैच हुआ तो उसमें हमने देखा कि जनाब साउथ अफ्रीका जैसी टीम इंडिया के सामने घबरा गई, लड़खड़ा गई। दूसरी जानब अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका के जो बल्लेबाज हैं वो उनकी जानब से कोई खातिर खा आज हमने इनिंग्स नहीं देखी, आज उनकी हमने बल्लेबाजी नहीं देखी। इंडिया का जो यंग लॉट है वो बहुत टैलेंटेड है, इतना टैलेंटेड मैंने आज तक किसी भी क्रिकेट टीम में या किसी भी बोर्ड में किसी भी सर्किट में इतना यंग लॉट जो टैलेंटेड और प्लस स्किल दोनों हो मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। भाई क्या वजूहत है कि डे बाय डे वो कोई नई हिस्ट्री क्रिएट करता जा रहा है इंडिया और रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनाते जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर देखें, अनबीटेबल इंडिया, अनस्टॉपेबल इंडिया, ये जितने अल्फाज है ना ये इनके लिए खत्म हो गए हैं। मतलब आज एक वाहिद ये टीम थी साउथ अफ्रीका जिसे हम उम्मीद कर रहे थे कि यार कम से कम ये टफ टाइम दे देगी, उसका भी उन्होंने मतलब क्या हाल किया मुझे पहले बताएं। भाई आज जिस तरीके से साउथ अफ्रीका की टीम को हिंदुस्तान ने फैला है ना, मेरे को नहीं लगता कि इस पूरे इवेंट में साउथ अफ्रीका को एक सेकंड के लिए भी ऐसा लगा हो कि भाई कोई हमें इस तरीके से झाड़ भी सकता है। मैं आपको कह रहा हूँ मुजम्मिल भाई, यही एक टीम थी जो पूरी दुनिया कह रही थी कि यार इंडिया को टफ टाइम दे सकती है, क्योंकि तो आज लग रहा था कि टफ टाइम होगा, मजे का मुकाबला होगा, लेकिन इंडिया ने कहा नहीं भाई, ऐसा वर्ल्ड कप मैं पहली दफा देख रहा हूँ कि टीमें भी जीतती हैं, ऐसी बात नहीं है, हर टूर्नामेंट में टीमें जीती हैं। जैसे लास्ट टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड अनबीटेबल गई है, लेकिन ऐसी जीत नहीं कोई जीता जिस तरह इंडिया जीत रहा है। क्या भाई सबको ठोक के आ रहा हूँ, बड़ा मैं सेंचुरियां बनाता हूँ, बड़ा जो है रिकॉर्ड बनाता हूँ हर मैच में, और दुनिया भी देख रही थी भाई, बाकी टीमें हम भी देख रहे थे भाई, साउथ अफ्रीका कुछ तो करेगा साला, चल हम तेरे साथ है आगे बढ़। लेकिन हिंदुस्तान ने उसको ये पकड़ के ये पटका, चल साले। एक परफेक्ट टीम किसी को कहा जाए ना तो वो इंडिया है। परफेक्ट टीम किसको कहते हैं कि जिसका ओपनिंग पेयर भी ठीक हो, मिडल ऑर्डर भी ठीक हो, पावर हिटिंग भी ठीक हो, स्पिन ट्रैक भी ठीक हो, फास्ट बॉलर भी ठीक हो, इसको हम कंप्लीट टीम बोलते हैं। अच्छा। तो इंडिया जो है इस टाइम कंप्लीट टीम बनी हुई है, उसमें एक मैच विनर नहीं है, अलग अलग मैच विनर है, 11 के 11 मैच विनर है, प्रॉपर एक कॉम्बिनेशन है। मेरे को वो वाला मीम याद आ गया भाई। वो नीचे से आता है, क्या हुआ, कुछ मुंह में घुसेड़ा। मेरे आज साउथ अफ्रीका की वही हालत कर दी भाई।
अनबिलीवेबल भाई, फैंटास्टिक बॉलिंग, जबरदस्त बॉलिंग लाइनअप भाई। अक्सर देखो बहुत सारे लोगों की आदत होती है, पेप्सी का केन होता है ना, या पेप्सी या स्प्राइट कुछ भी होता है, आप वो पीते हो उसके बाद केन को ऐसे दबोच लेते हो, दबा देते हो। ये आज साउथ अफ्रीका की टीम को हिंदुस्तान ने ऐसा बजट के पटका दिया है ना, यकीन करें इतनी बुरी तरीके से। तो भाई इस टीम को देखकर हिंदुस्तान के आगे मैं दोबारा रिपीट करके बोल रहा हूँ, हम फिर भी अच्छा लड़े हिंदुस्तान की टीम के साथ। भाई दुनिया के जबरदस्त टीम है हिंदुस्तान की टीम, नहीं आदम खोर है भाई, लोगों को खा रहे हैं, खिलाड़ियों को चबा रहे हैं, हड्डियां खा रहे हैं भाई, गोश मांस काल सब खा रहे हैं भाई। क्या कर रहे हो यार, ऐसा नहीं करो, थोड़ा रहम करो यार, लोगों से मैच तो जीत रहे हो, जिंदगियां भी बर्बाद कर रहे हो भाई, क्रिकेट करियर पे दाग लगा रहे हो, मस्त घुसाया है भाई, जिंदगी बर्बाद। लव यू दोस्तों, मैं बहुत हंसा हूँ। अब मैं इंतजार कर रहा हूँ फिजा खलीफा के रिएक्शन की, फिजा खलीफा क्या चेहरा उगलती है। ये पाकिस्तान के जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया है, जितने भी पूर्व खिलाड़ी है, ये सब भारत के खिलाफ चेहरा उगलते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, ये अब ये साबित करने की कोशिश में लगे रहेंगे कि ये फिक्स है, भारत अपने पैसों के दम पे खरीद लिया है, ये कर लिया है, अनाप शनाप अनसंट ये बकते रहेंगे। ये सब आगे आपको देखना और आपको आनंद आता है ये इन पाकिस्तानियों की जलन देखने में, तो ये चैनल आप ही के लिए है, सब्सक्राइब कर लीजिए बिना देर के, बिना कहे। बहुत सारे भाई लोग बोलते हैं कि यो यो किट्टू भाई की भी आवाज सुननी है हिंदुस्तान में जीत की खुशी में। आज हमारे साथ यो यो भाई भी बोलेंगे, रोहित शर्मा हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पाकिस्तान की माँ की आंख, पाकिस्तान की माँ की आंख। ये बड़े क्विक रिएक्शन थे, खैर पूरा वीडियो आपने देख लिया, वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन आपका, आप भी इन पाकिस्तानियों को पहल दीजिए, समझा दीजिए, अब आपके ऊपर जिम्मेदारी है, और हिंदुस्तान की टीम को बहुत 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 सारी बधाइयां दे दीजिए, और कमेंट सेक्शन जय हिंद के नारों से आज भर जाना चाहिए। आप लोग अपना ख्याल रखें, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।